स्वराज हमारे बीच पब्लिक मंच पर हैं द वन एंड ओनली बांसुरी स्वराज क्या कहूं मैं आपको बांसुरी जी रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे आई हैव गूज बम्स क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो आपकी मां सुषमा स्वराज पॉलिटिक्स में थी और ऐसी बड़ी हस्ती थी कि हम लोग पार्लियामेंट जाया करते थे उन्हें सुनने आ, उन्हें देखने और सोचते थे कि क्या मुकाम आ, किसी महिला ने अपने लिए बनाया है और आज आपके साथ हूं तो बस लग रहा है सुषमा जी फिर हमारे साथ हैं तो इससे पहले कि सवालों का प्रहार शुरू हो मुझे लगता है आपसे आशीर्वाद लेना ले चाहिए कि आपकी और इस ऑडियंस की अपेक्षाओं पर खरी उतर सकू हमेशा हमेशा क्योंकि आपकी मां भी वकील थी पॉलिटिशियन थी और राजनेता के रूप में जिस तरह से आ, उनकी स्पीचेस हुआ करती थी आ, शायद उन्हें मैच करना सबके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता था आप भी वकील हैं आप अब राजनीति में आ चुकी हैं, और मैं देख रही हूं जिस तरह से आप बोल रही हैं, कहीं ना कहीं सबको यही है दैट जीन्स तो वही हैं। अंश माँ का बेटी में है ये आपका बड़प्पन है लेकिन मैं हमेशा एक सच हमेशा उजागर करती हूं ईश्वर ने सुषमा स्वराज को बनाकर वो खांचा तोड़ दिया है देर कैन ओनली बी वन सुषमा स्वराज खांचा जरूर हर इंसान की शख्सियत अपनी अपनी होती है आ, लेकिन बांसुरी जी पूछना चाहूंगी कभी कभी जब माँ बाप बहुत फेमस हों बहुत बड़े अचीवर्स हों नाम दुनिया में इतना ज्यादा उनका व्याख्यात हो तो क्या बच्चों पर प्रेशर पड़ता है कि किस तरह से अपनी जगह खुद बनाएं अंडर द सन जैसे कहा जाता है और क्या कुछ शोल्डर्स पर बोझ महसूस होता है जी नहीं मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं एक तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माई स्कूल वासंत वाली मैं वहां पर सेकेंड क्लास से थी तो तब थी तो आपके जो बचपन के सखा है ना वो आपका दिमाग बहुत जमीन पर रखते हैं आपके टीचर्स और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरे माता पिता को भी क्रेडिट जाता है उन्होंने कभी भी ये महसूस ही नहीं होने दिया और मुझे ये लगता है कि मां हमेशा नेता का लिबास दहलीज पर छोड़कर आती थी घर के अंदर वो केवल एक बहुत अच्छी मां थी एक पुत्रवधु थी एक नारी थी और मैं हमेशा कहती हूं आई एम डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज द मदर नॉट सुषमा स्वराज द लीडर बिल्कुल बिल्कुल आपने जो कहा आ, सही है हर आ, औरत जब आ, फील्ड में होती है तो एक अलग रूप में होती है घर में होती है तो अलग रूप में होती है लेकिन देखती तो होंगी आप एक बच्ची की तरह माँ की जिंदगी माँ किस दौर से गुजर रही है शी वॉज द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव आई वॉज बॉर्न दैट टाइम यू वॉन्ट बॉर्न दैट टाइम आप आपकी माँ 25 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बन चुकी थी तो लोग पूछेंगे कि बांसुरी स्वराज ने कुछ देर नहीं करती जी मुझे लगता है कि ईश्वर ने और नियति ने हर किसी के लिए एक अलग सफर तय कर रखा है और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी माता जी ने अपना बहुत ज्यादा समय और अपने आप को मुझमें निवेश करा है वैल्यूज मैं सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार जरूर हूं लेकिन वो हमेशा चाहती थी दैट आई शुड बिकम दर्जन स्वराज मेरा बचपन बहुत खुशहाल था मेरा बचपन बहुत सहज था मेरा बचपन बहुत सरल था शायद यही मेरे व्यक्तित्व में आज भी परिलक्षित होता है और जैसे मैंने कहा मेरे साथ वो केवल एक मां थी ये जग जाहिर बात हो गई है अब कि माँ की अपॉइंटमेंट मा डायरी में शुक्रवार की शाम मेरे नाम थी चाहे कुछ भी हो जाए शुक्रवार शाम की जो थी वो मेरे नाम थी और उसमें पापा भी अलाउड नहीं थे हाँ हमारे जो जर्मन शेफर्ड थे रक्षक वो जरूर गेट क्रैश करते थे लेकिन वो शुक्रवार की शाम थी जो केवल हम दो सखियों की शाम थी जहां हम हर अच्छा बुरा रहस्य जग जाहिर बात सारी वो माता और बेटी की गप्पे होती थी बहुत बढ़िया आपने कहा और रक्षक मुझे भी याद है डरती थी मैं बहुत उससे मोजेस्टिक ही वॉज इफ इफ यू आर इन टू जर्मन चैम्पर्स बट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद का है और uh, आप समझ ही चुकी होंगी कि मैं सवाल क्या पूछने वाली हूं परिवारवाद का आप ऑपोजिशन uh, लेकर उतरे है मैदान में और सुषमा स्वराज की बेटी नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्युएंसी से फर्स्ट टाइम एमपी बन रही है कैंडिडेट uh, और किसकी जगह बन रही है मीनाक्षी लेखी की जगह जो एक uh, मंत्री हैं तो ये परिवारवाद नहीं हुआ क्या जी नहीं जी नहीं इसका जवाब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री संसद में दे चुके हैं लेकिन आपके माध्यम से जनता के समक्ष मैं दोबारा रखना चाहूंगी और मुझे खुशी कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा देखिए परिवारवाद तब होता है जब आते ही आप नंबर वन के दावेदार मिल जा, बन जाते हैं क्योंकि आपके माता पिता जनप्रतिनिधि हैं इसीलिए आप भी जनप्रतिनिधि हो ये जरूर ये शायद ठीक नहीं है लेकिन क्योंकि मेरी माता राजनीति में थी इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल का मुझे भी उतना ही अधिकार है परिश्रम का मुझे भी उतना ही अधिकार है पराक्रम का हां मैं पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये दायित्व दिया है ये रिवॉर्ड नहीं है ये दायित्व है एक मैं कहूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी है जिसे मैं पूरी तरह निभाने का प्रयास कर रही हूं और इससे पहले भी जो मुझे दायित्व दिए गए चाहे मैं लीगल सेल में को कन्वीनर ली गई चाहे मैं प्रदेश में मंत्री की मुझे भूमिका निभाने का मौका मिला मुझे एक ग्रास रूट से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर कर जनता में जाकर और फिर निवेदन करने का मौका मिला है परिवादवाद तब होता है जब आप मेहनत नहीं करते लेकिन सीधा आकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं या मैं कहूंगी कि पार्टी के सरगना बनने के दावेदार हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सरनेक एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है नितिन गडकरी जी कहते हैं कि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि उनका बेटा कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता जब तक कि वो पोस्टर पहले ना लगाए वो कहते हैं कि मेरा जो भी है पर्सनल वेल्थ वो मेरे बच्चों का है लेकिन मेरी आ, राजनीतिक धरोहर जो है वो मेरे कार्यकर्ताओं की है तो वो क्या गलत कह रहे हैं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं अपन मैं राजनीति में श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण नहीं हूं और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ देखिये मेरी माँ का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है आप भी उनको जानती थी उनके राजनैतिक जीवन में ना मेरे पिता का हस्तक्षेप था ना मेरा हस्तक्षेप है आप जानती है दस साल वो विदिशा से एमपी रही मैंने विदिशा में कदम भी नहीं रखा मेरा राजनीतिक अगर इस जीवन में आवाहन हुआ है तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने मैं एक एबीवीपी की कार्यकर्ता थी मेरी संघ आयु 24 वर्ष है मैंने पार्टी की सेवा 10 वर्ष एक वकील के तौर पर करी है परोक्ष रूप से आपके आशीर्वाद से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मेरा वकालत में यह सत्रवा साल है 10 वर्ष से खुद का चेंबर चला रही हूं मैं दिहाड़ी की मजदूर हूँ मैं कचहरी जाती हूं रोज और अपनी रोटी वैसे कमाती हूं पार्टी ने मुझे पहली भूमिका लीगल सेल में को कन्वीनर के नाम पे दी और बहुत विनम्रता से कहूंगी ये मुझे जो दायित्व मिला या मौका मिला ये जब कृष्ण मां को चुरा कर ले गए उनके जाने के चार साल बाद मिला आप जब ये कहती हैं तो पता नहीं क्यों गला भरसा आता है लेकिन मोदी जी ने मोदी जी ने मुझे लगता है सुषमा जी की आ, मेमोरियल पर एक शब्द कहा था मैं आपको सुनवाना चाहती हूं उन्होंने तब सुषमा जी के बारे में और आपके बारे में क्या कहा था सुषमा जी की जो ताकत थी उसकी कुछ झलक मैंने बांसुरी में अनुभव की है का जो धैर्य और मैच्योरिटी का मैंने दर्शन किया सुषमा जी का एक लघु स्वरूप मैं उस बेटी को बहुत आशीर्वाद देता हूं आपका अंश मोदी जी को भी दिखा आप कहती हैं आप कहती हैं कि आपका किरदार जो है राजनीति में सुषमा स्वराज जी की वजह से नहीं है वजह से ना हो पर हर किसी को अंश नजर तो आता है मैं कहूंगी शायद उनकी वजह से नहीं है लेकिन हाँ उनका आशीर्वाद मेरे साथ जरूर है, और मैं आभारी और धन्यवाद देती हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया है मेरा सुदृढ़ हो गया है संकल्प कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार 2019 में जब सुषमा जी चली गई हमारे बीच नहीं रही क्या ये तभी तय हो गया था कि आप राजनीति में आएंगी कभी कोई चर्चा हुई किसी से बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरा राजनीति से वास्ता नहीं था दूर दूर तक मैंने आपको कहा ना मुझे पहला टेलीफोन कॉल जो आया वो माँ के चले जाने के चार साल बाद आया उससे पहले बिल्कुल भी कोई रोल ही नहीं था हां इतना जरूर कहूंगी कि पार्टी और संगठन की सेवा मैं कचहरी में कर रही थी लेकिन उसमें कुछ नया नहीं था वो तो मैं एक दशक से कर रही थी आ... लेकिन लोग कह रहे हैं और खास करके आम आदमी पार्टी में आतिशी जी ने मुद्दा उठाया है कि संजय सिंह की बेल में आपने अपोज किया आप ईडी की तरफ से थी फिर बाद में कहा गया ये गलती से आपका नाम चला गया तो वो कहते हैं कि ईडी और बीजेपी बीजेपी और ईडी में कोई फर्क नहीं है इसमें तीन बातें कहना चाहूंगी पहली बात कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना विपक्ष हैं दोषारोपण तो करेंगे दूसरी बात देखिए आम आदमी पार्टी की जो आतुरता है ना मीडिया में जाने की बिना चीजें वेरीफाई करे मैंने इतनी बार उनसे निवेदन करा है मीडियम के आ, मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से दोबारा कर देती हूं माननीय मंत्री आतिशी जी माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी जब भी मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे केवल फोन कॉल कर ले मैं सारे तथ्य स्वयं बता दूंगी सारे के सारे ऑर्डर्स दे दूंगी रही बात जो उस दिन हुआ ये बात बिल्कुल सही है कि उस ऑर्डर में मेरा नाम गलती से गया है खुद ईडी ने एप्लीकेशन डाली है और मेंशन करेगी और जजेस ने उस ऑर्डर से मेरा नाम हटा दिया जी मैं यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे थी लेकिन दो मार्च को जब टिकट की घोषणा हुई तो 8 मार्च को मैंने रिजाइन कर दिया 15 मार्च को वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया तो वो मैटर मुझे अब मार्क हो ही नहीं सकता था मैं इस केस में ईडी की वकील नहीं थी उस दिन ऑर्डर में नाम गलत था तो ये गलती ये एसोसिएशन कहां से आया वो मुद्दा ये भी उठाते हैं कि एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस है और वो हाई प्रोफाइल केस है जब आप ललित मोदी की वकील थी और ललित मोदी के ट्वीट्स भी हैं जिसमें उन्होंने आपका धन्यवाद शुक्रिया किया है फॉर पासपोर्ट uh, uh, वो कहते हैं देशद्रोहियों के साथ आप मिली हुई हैं बड़ा आरोप है पहले तो यह जरूर कहूंगी आम आदमी पार्टी के इन बयानों से यह तो लगता है और साबित हो गया कि मैं वकील तो बहुत अच्छी हूं देखिए, उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं सरासर निराधार हैं गलत हैं। आपने पूछा है इसलिए आपको बता रही हूं ललित मोदी के वक, का जो केस था वो मेरे सीनियर कर रहे थे मैं नौवे नंबर की जूनियर थी उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी आप भी जानती हैं आपके बेटे भी वकील हैं अरे भाई जूनियर एडवोकेट का जो स्टेटस है ना वो इंटर्न से भी बदतर होता है तो इसलिए और रही जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बाकी दो और आरोप लगाए उसमें आप जैसे वो नीरव मोदी कहते हैं मैं नीरव मोदी की वकील ही नहीं हूँ अनिल मसीह का नाम लेते हैं मैं अनिल मसीह की वकील नहीं हूँ मैंने कहा ना चेक ही नहीं करते वो मणिपुर की बात करते मणिपुर में मैं अभियुक्त की वकील नहीं हूं वहां तो मैंने इंटरव्यून करा है एक एनजीओ के लिए जो बंगाल की महिलाओं के लिए काम करती हैं क्योंकि बिल्कुल जैसा कांड मणिपुर में हुआ था वैसा ही एक एक नहीं बल्कि दो हादसे टीएमसी के वर्कर्स ने करा महिला प्रत्याशियों के साथ मैं तो उनके लिए इंटरव्यून करी थी लेकिन मैंने कहा ना कि झूठ का पुलंदा हमेशा जनता जनार्दन के सामने लाते हैं मीडिया में आने पर आतोर रहते हैं कभी जो है वेरीफाई नहीं करते पर अगर इनकी रिसर्च टीम इतनी लेजी है बस एक फोन कॉल कर ले मैं दे दूंगी सारे तथ्य लेकिन फिर ललित मोदी ने आपको थैंक यू क्यों किया ट्वीट पर यह आपको उनसे पूछना पड़ेगा एब्सकॉन्डिंग है कैसे पूछूं? ट्वीट के माध्यम से <laughs> लेकिन केजरीवाल जब जेल में हो जब मनीष सिसोदिया जेल में हो संजय सिंह जेल में थे अब बेल पर बाहर आ गए हैं सत्येंद्र जैन जेल में हो और तमाम केस सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो और 25 में से 23 ऐसे लोग जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या तो उनके केस बंद हो जाते हैं या कोल्ड स्टोरेज डीप फ्रीज में चले जाते हैं तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे लो, और लोगों का काम भी है कहना और पूछना कि ये कैसे हो रहा है इस गाने की अगली लाइन है छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत ना जाए रहना बेकार की बातें हैं <laughs> लेकिन इसमें दो पहलू है सबसे पहला देखे ये निराधार आरोप है मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि अगर कोई भी एनडीए में शामिल हुआ या भाजपा में शामिल हुआ केसेस उनके खिलाफ जारी हैं। किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन में अवरोध ना लगाया है ना विराम लगाया है दूसरी बात आपने संजय सिंह जी की बात करी आपने मनीष सिसोदिया जी की बात करी आपने केजरीवाल जी की बात करी और आपने सत्येंद्र जैन जी की बात करी इन सब में और मैं इसमें एक नाम हेमंत सोरेन जी का भी जोड़ देती हूं हेमंत सोरेन जी ने दस समन्स का निरादर करा था आप भी जानते हैं कि पीएमएलए लॉ में यह अनिवार्य है कि अगर आपको बुलाया जाता है जांच में तो आपको जुड़ना अनिवार्य है सेक्शन सब सबसेक्शन थ्री ऑफ द पीएमएलए एक्ट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने नौ समन्स का निरादर करा है और जब जब आप समन का निरादर करते हैं तो आप एक नया ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं अंडर सेक्शन वन ऑफ द आईपीसी दोनों नेताओं ने बहुत विनम्रता से कहूंगी विवश कर दिया ईडी को कि वो उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। अब हम बात करते हैं सत्येंद्र जैन जी की और हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट हुई है सात बार चाहे ट्रायल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो तो इसमें कोर्ट का यह मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टेब्लिश कर दिया गया है घोटाले में इन्वॉल्व होने का। और इसीलिए जांच एजेंसियों ने जो तथ्य रखे उनको देख के कचहरी ने उनको बेल नहीं दी है इसमें भाजपा की कोई भूमिका ही नहीं है देखिए विपक्ष जो है इसे कहते चोरी और फिर सीना चोरी और पूरा का पूरा इनका जो भी तथ्य होते हैं कोर्ट में नहीं बोलेंगे आकर मीडिया में जो है प्रोपेगेंडा करेंगे आप हमारी रोजी रोटी के ऊपर क्यों लात मार हैं? कतई नहीं <laughs> अब मीडिया में आकर लोग बोलेंगे वैसे हम बॉयकॉटेड हैं कई विपक्षी पार्टी से आप केवल बॉयकॉटेड ही नहीं है आपके एक पत्रकार को तो अरेस्ट कर लिया गया था और मुझे याद है आपके नेटवर्क की एक टीम को ये मानकर आम आदमी पार्टी को ये लगा कि विधानसभा उनकी पर्सनल जागीर है इनके नेटवर्क की एक पूरी टीम को अंदर नहीं घुसने दिया था विधानसभा में बिल्कुल ये, ये सही है लेकिन Uh, कोई कुछ भी कहे हम अपना काम करते रहते हैं और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी आप बिल्कुल अपना काम करिए लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे ये जो लोकतंत्र के मसीहा बनते हैं लोकतंत्र बचाओ के नाम पे भ्रष्टाचार बचाओ की जो रैली करते हैं आ दे अलाउड टू मजल द मीडिया लाइक दिस क्या इनको ये हक है मीडिया के मुंह पर इस तरह पट्टी बांधने का बिल्कुल नहीं एक वकील और एक भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इसका विरोध करती हूँ क्या कहूं आपकी दलीलों पे आपकी बातों पे मुझे बार बार सुषमा जी याद आती हैं और बहुत बहुत बार मैंने उन्हें भी इंटरव्यू किया है उनके मिनिस्ट्रीज कवर की है लेकिन पूछूंगी आपसे ये कि आपके बनाम यहां आम आदमी पार्टी के भी एक वकील खड़े हैं सोमनाथ भारती तो क्या बांसुरी स्वराज जायंट किलर होंगी सोमनाथ भारती को हराकर या कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि बदले की राजनीति में बीजेपी बैकफुट पर होगी मैं ये कहूंगी कि बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए सोमनाथ भारती जी ने आपके बारे में क्या कहा है चलिए मैं आपको वो भी सुना देती हूँ क्योंकि आरोप प्रति आरोप की राजनीति आजकल बहुत फैशन में है जो हमारी बेटियां महिला रेस्टर्स जो थी जो महिला पहलवान थी जो देश के लिए मेडल्स लेके आई उनकी इज्जत को तार तार करने वाला व्यक्ति ब्रजभूषण के खिलाफ जब महिला पहलवान बैठे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उनको न्याय पाने के लिए जंतर मंत्र धरना करना पड़ा उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उस ब्रिज भूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और आपको जान के हैरानी होगी कि उस एक्शन ना लेने का जो भाजपा का कार्य था उसको डिफेंड किसने किया भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार बासुरी स्वराज जी ने मैं उनकी वकील नहीं थी मैंने कहा ना रिसर्च नहीं करते अरे एक फोन कॉल कर दिया होता मैं ही बता देती सोमनाथ भाई तो सोमनाथ जी आप पर गलत आरोप लगा रहे हैं उन आपसे पूछा जा रहा है कि आप महिला कैंडिडेट हैं महिलाओं के हक के लिए आप लड़ी नहीं तो आप कैसी महिला कैंडिडेट है मैंने कहा ना आरोप ही गलत है पर मैं एक चीज पूछना चाहती हूं आप अभी तक सोमनाथ जी मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या मैं तो जनता में उतर गई हूं मुझे तो एक महीना तीन दिन हो गए प्रचार में तो चलिए इसी पे पूछ लेती हूं जब आप जनता के पीछे जाती है तो लोग क्या कहते हैं आइएगा कभी कैंपेन ट्रेल पर आइएगा कभी ट्रम्पेन ट्रेल पर और देखिएगा कि दिल्ली के जनता का अगाध विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी गारंटी पूरी होने की गारंटी है तो कल फिर दिल्ली में तो फिर दिल्ली में सात में से छह उम्मीदवार बदल क्यों दिए गए अगर सब मोदी जी में बिलीव करते हैं और सब इतना कुछ अच्छा ही काम कर रहे थे तो आज छह उम्मीदवार फील्ड में क्यों नहीं क्योंकि हमारे संगठन में हमारी पार्टी में टिकट कटता नहीं है मिलता है और पद नहीं होते दायित्व होते हैं जब तक आपको एक दायित्व सौंपा जाता है आप उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं यदि वो दायित्व किसी और को सौंप दिया जाता है तो आप उनका मार्गदर्शन करते हैं कि वो उस कर्तव्य को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाए अगर आपको वोट मांगने जाना पड़े वोट तो सबसे मांगने पड़ते हैं तो सोनिया गांधी जी से कैसे वोट मांगेगी क्या कहेंगी मैं एक बार मांग चुकी हूं लेकिन आपके माध्यम से दोबारा मांग लेती हूं आपके माध्यम से मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों से मैं विनम्र निवेदन करती हूं अपना प्रत्याशी धर्म निभाते हुए कि यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में अवरोध ना आए यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित भारत हो यदि आप चाहते हैं कि भारत एक सशक्त भारत हो तो मोदी जी की गारंटी जो सुशासन का आश्वासन है आत्मगौरव का आश्वासन है आत्मनिर्भरता का आश्वासन है विकास का आश्वासन है उस भरोसा करकर पच्चीस कर, मई को कृपया कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक अवश्य बनाइए राहुल जी तो कहते हैं कि अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की सरकार जानी तय है कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना कि राहुल जी अपनी ही यहां पे अपना वोट कांग्रेस पार्टी को ना देके इस बार आम आदमी पार्टी को देने वाले हैं <स्थाँगा> पब्लिक मंच है इसीलिए चाहूंगी कि पब्लिक में अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो पब्लिक के सवालों का सिलसिला शुरू करें और यहां फर्स्ट टाइम वोटर हैं फर्स्ट टाइम वोटर है खड़े हो जाएं, माइक इन्हें दिया जाए और सवाल अपना नाम बताएं और सवाल जरूर पूछें। गुड इवनिंग बासुरी जी नमस्कार uh, आपको बहुत नमस्कार uh, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा माई सेल्फ शुभ एम फ्रॉम ड्यू Uh, ये कहना चाहूंगा कि uh, मेरी जो लोकसभा है वो आपकी माताजी की लोकसभा की जस्ट बाजू वाली लोकसभा है जो चूंकि नमद परम्बरीशा के साइड वाली लोकसभा है तो आपकी माताजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस लोकसभा में भी रहा है मेरा आपसे क्वेश्चन uh, यही है कि यू मैंशन डेट सुषमा स्वराज एक ही थी एक ही रहेगी और उनके अलावा कोई वैसा हो नहीं सकता माई क्वेश्चन टू यू इज विल यू कंटिन्यू दी ऑफ ग्रेट सुषमा स्वराज और विल यू बी इन योर ओन शूज सप्लीमेंट टू इस क्वेश्चन इज विजन फॉर स्टूडेंट्स दो बिल्कुल ही अलग सवाल स्पेक्ट्रम ओके सबसे पहले देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ये लेगेसी जो है दूसरों के दिमाग में आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड अचीव टू बी वर्जन ऑफ बासुरी स्वराज आखिर कृष्ण ने मुझे यहां पर अपने लिए भेजा है ना ईश्वर का अंश तो मैं भी हूं जैसे आप हैं तो बिल्कुल आई हैव टू अचीव माई बेस्ट वर्जन एंड माई पोटेंशियल रही बात वॉट इज द विजन फॉर स्टूडेंट्स सो आई नो दैट आजकल हर स्टूडेंट को स्टार्टअप का बड़ा चस्का है है ना आपको भी होगा है ना स्टार्टअप बाग शक्ल देख के लगे सो समथिंग आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया एज वेल एज लखपति दीदी सो समथिंग दट वी वॉन्ट टू डू इन न्यू डेली इज मे बी अ स्टार्टअप हब अ वन स्टॉप शॉप जहां पर आप आइए आप केवल एक नेशंट आइडिया लेकर आ जाइए और उसके बाद जिस भी प्रकार का ज्ञान आपको चाहिए उस खाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए वो वहां पर स्टार्टअप हब में हो गए Uh, कुछ uh, लोग क्योंकि हमने लाइव ट्विटर पर भी आपके लिए सल, सवाल मंगवाए हैं आ, तो कुछ सवाल मेरे पास आए हैं आयुष वर्मा नोएडा एक्सटेंशन से पूछ रहे हैं बासुरी जी अगर आपको आपकी माता जी की तरह विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी दी गई तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगी मैं वकील हूं मैं तथ्यों पर बात करती हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात नहीं करती साफ बच गई आप आप ईडी की वकील रही हैं क्या दिल्ली में सच में कोई शराब घोटाला हुआ है या ये महज एक राजनीतिक साजिश है अगर हुआ है तो करोड़ों की बात करने वाली ईडी अभी तक मनी ट्रेल साबित क्यों नहीं कर पाई है ये सवाल पूछ रहे हैं अंजलि कुमार राय गाजीपुर से जी अंजलि कुमार राय जी को मैं जरूर कहूंगी कि एक बार सारे के सारे ऑर्डर्स खोलकर देख लीजिए हाई कोर्ट का यह मानना है और इस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है और हाल ही में दिसंबर में मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट होने के बाद क्यूरेटिव पिटिशन भी डिसमिस हुई है और इसमें क्या लिखा लिखा गया है कि ईडी ने यह सबूत रख दिए हैं कि सौ करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है नाविका जी मैं नई दिल्ली सीट की वोटर हूं मैं आपके माध्यम से बांसुरी जी से पूछना चाहती हूं आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बीजेपी को वोट देने की अपील की है आपको ऐसा क्यों लगता है लेकिन जैसे मैंने कहा प्रत्याशी धर्म मैंने निभाया है ना देना या देना उनके अधिकार क्षेत्र में है नेहा सिंह का यह सवाल था नई दिल्ली से अतुल सिंह का सवाल गुड़गांव से है विपक्ष के किस नेता में आपको आपकी मां के जैसे राजनीतिक गुण नजर आते बहुत विनम्रता से कहूंगी माफ करिएगा देर कैन ओनली बी वन सुषमा स्वराज सुषमा स्वराज अद्वितीय है नव्या शर्मा का मथुरा से सवाल है और पूछ रही हैं बांसुरी जी से पूछें कि कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है बांसुरी जी वकील हैं कांग्रेस को उनके इस आरोप पर क्या कहेंगे जी मैं तो दिहाड़ी की मजदूर खुद हूं देखिये कांग्रेस पार्टी का यह जो आरोप है बहुत विनम्रता से कहूंगी 12 लाख करोड़ रुपए का घपला करने वाले जब दरिद्रता दिखाते हैं तो हंसी आती है अर्चना यादव लखनऊ से पूछ रही हैं सुषमा जी की बेटी बांसुरी आएंगी तो परिवारवाद नहीं राजनाथ जी के बेटे पंकज आएंगे तो परिवारवाद नहीं पार्टी के लिए दिन रात एक करने वाले अखिलेश यादव परिवारवादी हैं ये कैसा तर्क है मैंने कहा ना क्योंकि आते ही अखिलेश भाई नंबर वन के दावेदार बन गए आते ही मुख्यमंत्री का ही पद उनके लिए रिजर्व हो गया बांसुरी जी मेरा आ, पब्लिक मंच का शो का एक सेगमेंट है कि कुछ याद आया और इसमें मैं सुषमा स्वराज जी की एक बहुत फेमस स्पीच आपको सुनवाना चाहती हूं उन्नीस की स्पीच है मैं पार्लियामेंट की मीडिया गैलरी में थी मुझे बहुत अच्छे से ये याद है और उन्होंने संसद में ये स्पीच दी थी क्या दिया था क्या कहा था सुनवाती हूं आप हा हा हां हां हम सब राइट हैं क्योंकि हम वे मातर गाने की वकालत करते हैं हाँ है हम सब राइट हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं है। इसलिए हम आप, आप उनकी स्पीचेस सुनती हैं? नहीं क्यों? मेरे लिए मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है उनकी स्पीचेस सुनना क्यों याद आती है उनकी क्षति उनकी खलिश समय भी नहीं पूरी कर सकता मैं जानती हूँ सबको अपनी मां बहुत पसंद है मेरी वाली कुछ खास थी जब उनकी याद आती है तो क्या करती क्या है आप कोई उनकी ऐसी याद जो आप पकड़ कर रखती हैं कोई उनकी ऐसी चीज जो आपको उनकी याद दिलाती हैं पकड़ कर देखिए याद तो उनकी हर क्षण आती है लेकिन जिस दिन पता है कि ऐसे प्रहार होने वाले हैं हो और इतनी बड़ी शख्सियत का सामना करना है हाँ उस दिन उनकी साड़ी पहनकर आती हूँ उनका कड़ा और उनके इयर पहनकर आती हूँ तो ये आपने सुषमा जी की साड़ी पहनी है महसूस कर रही हैं कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल माँ के आंचल में बैठी चलिए लेकिन पूछना चाहती हूं वक्त का पहिया वक्त का पहिया और 2013 मुझे याद है थिक ऑफ पॉलिटिक्स थिक ऑफ uh, एक समय था जब ये कहा जाता था कि आरएसएस पार्टी के सभी नेता uh, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ इस तरह की खबरें आती थी कि सुषमा स्वराज का पूरा साथ नहीं है इस बात पर और बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स भी आई कि आरएसएस ने एक प्रतिनिधि भेजा सुषमा जी से बात करने के लिए तो सुषमा जी ने कहा अगर गुजरात के मुख्यमंत्री को आपने घोषित किया तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम सही ढंग से लोकसभा में निभा नहीं पाऊंगी लोग टारगेट करेंगे ये रिपोर्ट्स न्यूज रिपोर्ट्स ऐसी कई हैं। उस दौर में क्या रहा होगा उनका ऑपोजिशन मोदी की मुझे लगता है ये निराधार है क्योंकि आप देखिए उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही सफलता से विदेश मंत्री का कार्यकाल पूरे पांच साल निभाया और इतना मैं आपको सार्वजनिक मंच से कहूंगी दूसरी बार कह रही हूं मैंने मां के मेमोरियल पे भी कहा था कि जिस तरह एक परिवार के बड़े की तरह मां की बीमारी में नरेंद्र मोदी जी का हम लोगों को साथ मिला और मां के चले जाने के बाद जिस तरह पार्टी संगठन और प्रधानमंत्री जी ने मेरे पिता और मेरा वो संबल बने मैं आजीवन उनकी ऋणी हूं मुझे लगता है सारी की सारी बातें जो हैं केवल रिपोर्ट्स और रूमर्स हैं 2019 में आ, रिपीट नहीं हुई थी कैबिनेट में भी बिल्कुल भी नहीं एवरीबडी इज अलाउड टू हैंग दूथ एंड शी डिड दैट विद्लॉम कृष्ण uh, ने so इतना कर्म उनके हाथ से करवाया था कि जब वक्त आया तो ठीक है हर किसी को यू नो यू शुड अलाव पीपल टू हैंग दूथ एब्सोल्यूटली सवाल कुछ और ऑडियंस uh, से आ रहे हैं और uh, कुछ हाथ खड़े हुए है चार पांच हाथ में देख रही हूँ नमस्कार बाश्री मैम मेरा एक क्वेश्चन था बट अब दो हो गए हैं <laughs> क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं नो <laughs> मैम no, मैं उत्सव कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ नमस्कार उत्सव जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डीक्रिमिलाईजेशन जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में बढ़ती जा रही है तो अगर इस साल सत्ता में आती है बीजेपी वो तो किस तरह से उसको खत्म करने को देखेगी की पॉलिटिक्स से डीक्रिमिलाईजेशन खत्म और एक और प्रश्न है मैम मैं पूछ देता हूँ एक आ... प्रश्न का जवाब क्रिमिनल, क्रिमिनल एलिमेंट्स इन पॉलिटिक्स इसको कैसे खत्म किया जाएगा क्योंकि मुझे कोई पार्टियों के बीच में कंसेंसस होता हुआ नजर नहीं आ रहा नहीं ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पर बहुत संजीदगी से सोच भी रही है और इसी हफ्ते हमारा संकल्प पत्र भी आने वाला है हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है उत्सव आपसे निवेदन करूंगी बस चंद दिन अगर आप इंतजार कर लेंगे तो उसमें पूरा का पूरा बखान हमने करा होगा कि हम क्या स्टेप्स लेने वाले हैं मैम दूसरा प्रश्न मैम एक लास्ट प्लीज मैम एग्जाम में जब जाते हो तो सप्लीमेंट्री हमेशा आंसर कर कर आते हो क्या <laughs> अच्छा मैम मैम एक क्वेश्चन बस डिबेट अच्छा, अच्छा, से ये आपने एक बोला था बीच में मैम आपने बोला था कि मैं दिहाड़ी की मजदूर हूँ मैम दिहाड़ी की मजदूर की जो सैलरी या फीस जो उनको मिलती है उसमें और एक लॉयर जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बेटा क्या पढ़ रहे हो मैम फिलोसफी फिलोसफी पढ़ रहे येस? हो ना कभी ग्राउंड रियालिटी पे आके देखना लिटिगेशन में और ये बहुत बड़ा मुद्दा है अगर इसके बारे में कभी कुछ कर पाई तो जरूर करूंगी कभी भी आके देखना लिटिगेशन में कई बच्चे हैं जो मुफ्त में काम करते हैं लॉ का जो प्रोफेशन है खास करके लिटिगेशन जो कचहरी जाने वाले बच्चे हैं उनकी काफी दुर्दशा है ईश्वर ने अगर कभी सेवा का मौका दिया तो इसके लिए जरूर काम करूंगी मैं आपको पता ही नहीं है हमारे यहाँ पे नौ से पांच की तो शिफ्ट होती नहीं है वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक और कई चेंबर्स हैं जो बच्चों को स्टाइप नहीं देते कई चेंबर्स ऐसे हैं जो मुफ्त में काम करवाते हैं और ये भ्रम है कि वकीलों की फीस बहुत ज्यादा हाई होती है ये एक चंद मैं कहूंगी कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई उनकी मैं कहूंगी रोजी रोटी बिल्कुल वो बहुत अच्छी फीस कमांड करते हैं लेकिन ज्यादातर जो लोग हमारे प्रोफेशन में हैं उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है एक सवाल ट्विटर पर आया है संजय पोदार पटना से पूछ रहे हैं बांसुरी जी ने कहा कि अगर आप हमें जीत कर भेजते हैं तो मैं 24 घंटे आपके बीच में रहूंगी जनता से आपने ये चुनावी वादा किया है इसके पहले भी नई दिल्ली सीट से बीजेपी की ही सांसद थी आपके इस बयान का क्या मतलब है सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं आजमा के देख लीजिएगा निराश नहीं करूंगी एक सेगमेंट है मेरा रैपिड फायर का और रैपिड फायर में मैं आपसे वो कहते हैं ना कि शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स वाला तो रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल सुषमा स्वराज वर्सेस जयशंकर एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुज योर चॉइस नो चॉइस बोथ सुषमा स्वराज फॉर हर विल टू सर्व द पीपल जयशंकर जी फॉर कंटिन्यूंग हर लेग टू कंटिन्यू टू सर्व द पीपल एंड आई एम इन ओफ जयशंकर जी इज इंटेलेक्ट मुझे लगता है वो व्यक्ति विद्वान है और मैं आपको बता दूं अपना चुनावी संग्राम शुरू करने से पहले जाकर उनका आशीर्वाद लेकर आई हूं रैपिड फायर में और सिंगल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल चॉइस लेना होता है नहीं तो फेल हो जाता है चॉइस ही गलत है नहीं सवाल कभी गलत नहीं होता ठीक है, तो दो हजार चौदह के कार्यकाल में सुषमा स्वराज दो हजार उन्नीस के कार्यकाल में जयशंकर जी अगर अरविंद केजरीवाल जी को एडवाइस करना हो तो एक एडवाइस क्या देंगी वकील बदलिए <laughs> बांसुरी स्वराज बनेंगी उनकी वकील उनको मैं पसंद कहा हूं सारा दिन तो विकास का कोई काम करते नहीं है प्रेस में यही बताते रहते हैं कि मेरे मोके कौन है <laughs> और वो भी गलत टॉप थ्री वुमेन लीडर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स पास्ट और प्रेजेंट अक्रॉस पार्टी लाइंस। पास्ट और प्रेजेंट आई वुड से सुषमा स्वराज एंड प्रेजेंट में आई वुड से निर्मला सीतारमन जी एंड स्मृति ईरानी जी दूसरी पार्टियों से कोई नहीं पसंद सुषमा जी एक बार तो उन्होंने सारे हीरे हमने बटोर रखे कहते ना तेरे चेहरे से नजर ही नहीं हटती नजारे हम क्या देखे <laughs> बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा आपको चैलेंज देने वाली कौन सी विपक्षी पार्टी है <laughs> टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में हु इज द मेन ऑपोजिशन लीडर आपके सामने जी राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो मेन ऑपोजिशन लीडर हैं। आपको क्या लगता है मुझे लगता है कि हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते और हम, वो करते हैं हम केवल सकारात्मक राजनीति करते हैं इसलिए हम जब अगर आप कैंपेन पे भी देखें, संजीदगी से बात करूं कैंपेन पर भी देखें, मैं अपने जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाती हम केवल मोदी जी के सुशासन का जो पिछले दस साल का रिपोर्ट कार्ड है उसकी बात करते हैं विकसित भारत के विजन की बात करते हैं सवाल एक और है बिगर मोदी और बीजेपी मोदी और भाजपा एक दूसरे के पर्याय हैं क्योंकि पार्टी कमल के चिन्ह पर लड़ती है और मोदी कमल का फूल है क्लियर क्लीन बोल्ड कर देती हैं आप Thank और आ, शब्दों को जिस तरह से आप कहीं लिटरेचर पोइट्री इस फील्ड में तो नहीं है क्योंकि शब्दों को बहुत अच्छे से बुनती हैं। आपको पता ही नहीं है मैं आपके समक्ष कितनी नर्वस हूं फुल बेंच के आगे पैरवी करना ज्यादा आसान है आप और नर्वस अगर नर्वसनेस में ये हाल है आ, तो बिना नर्वसनेस के कैसे होगा कोई बता सकता है अच्छा बता दीजिए <laughs> मैं मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि आपका नाम बांसुरी क्यों रखा गया कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु पे मेरी मां ने रखा है कहती थी या तो अधरों पे रखते थे या फिर पीताम्बर में घोस लेते थे और जब ब्रजभूमि छोड़कर गए तो श्रीजी यानी राधिका रानी के हाथों में सौंप के गए तो बांसुरी वॉज ऑलवेज वेल टेकन केयर ऑफ बाई गॉड सुषमा जी ने आपको भक्ति या पाठ ऐसी कोई चीजें सिखाई हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है नहीं काफी चीजें सिखाई है मैंने कहा ना भक्ति मुझे विरासत में उनसे मिली है लेकिन आ, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आ, वो मेरी सुख दुख की साथिन थी शी वॉज माई को कॉन्स्पिरेटर करती थी हाँ यार या, शी वॉज माई को कॉन्स्पिरेटर कुछ बदमाशियां कभी की हैं ऐसी एक बार सुबह सवेरे मुझे पांच बजे उठाया गया मैं स्कूल में थी और छुट्टी का दिन था और बोली चलो 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 तुरंत हम दोनों जो है गाड़ी में बैठे उन्होंने आलू पूरी जो है टिफिन में बंधवा के रखे हुए थे सीधा गाड़ी दौड़ी हम लोग हरिद्वार गए और हमने वहां पर बिना किसी को बताए केवल हम माँ बेटी थे हम लोग गए हमने गंगा जी के दर्शन करे उसमें उनमें डुबकी लगाई गंगा आरती करी फिर दोनों बैठकर पेड़ के नीचे हम लोगों ने आलू पूरी खाई वापस गाड़ी में बैठे और छह घंटे में वापस दिल्ली बहुत आ, अच्छी आ, अच्छी यादें हैं आपकी शिव तांडव उन्होंने आपको सिखाया शिव तांडव स्त्रोत्र के उन्होंने पहले सोलह पद मुझे कंठस्थ कराए थे जब मैं सिर्फ पांच बरस की थी पर बस मैं शूज उतार रही हूं नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्तले गले अवलम्बि लम्बि ताम् भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् डमड् 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 निनादमड्डमरवयञ्चकार चण्ड तण्ड ण्डवम् तनो तु नः शिवे शिवम् जटा कटाः सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराज मान मूर्धनि धगद् धगद् धगत् भगज जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतीक्षणम् मम धरा धरेन्द्र नन्दनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फूर्दि गन्त सन्तति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धूरणी निरुद्ध धुर्धरापदि क्वचिद् गम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वचिद् गम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि क्वचिद् गम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तु नमो पार्वती पताया हर हर महादेव बी ब्लेस्ड बांसुरी स्वराज थैंक यू होटेल कैन आई से टू यू थैंक यू वेरी मच ना सिर्फ आपने हर सवाल का जवाब दिया पर हम जैसे लोगों को भी बस कुछ यादों में उतार दिया I'm very grateful. Ladies and gentlemen, presenting to you Basuri Swaraj, uh, all the very best to her and thank you for joining me on uh, public month. For more of such videos, do like, share, and subscribe to ET Now Swadesh.